अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियो, जिसका आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट किए हुए हैं, उसके अंदर आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को जो है आज के लेक्चर में सॉल्व करूंगा, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 एक जो है वो सिंपल और शार्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो है इसको लाजमी करवाना चाह रहा हूँ। तो आपने जो है इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर लेके आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि शो दैट अ क्यूबिक पॉलीनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 रियल जीरोस। इसमें वो सिंपल ये आपसे पूछ रहा है कि साबित करें, प्रूव करें कि जो आपके पास एक क्यूबिक पॉलीनोमियल होती है उसके जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 3 ही रियल जीरोस पे जो है ना वो मुश्तमिल होती है, उसके अंदर जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा 3 रियल जीरोस ही एग्जिस्ट करते हैं, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है ना हम लोग इसको प्रूव करेंगे, साबित करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होती है। क्यूबिक पॉलीनोमियल की मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, फिर मैं जो है इसका प्रूफ करता हूँ, चुटकी में आपको जो है वो सारी सारी बातें समझ आ जाएंगी। लेट सपोज कि ये जी हमारे पास एक क्यूबिक पॉलीनोमियल, इसको जो है मैं नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स का, वो है जी हमारे पास लेट सपोज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल है और इसके जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वो 3, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये तुम्हारे पास पॉलीनोमियल आ गया। अब इसका जो है डेरिवेटिव निकालना है एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि इसके क्यूबिक पॉलीनोमियल है ना, तो इसके हम 3 डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स निकाला तो ये बनेगा जी आपके पास 3 ए, ये आपके पास 3 पीछे आ जाएगा, बन जाएगा 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा जी आपके पास 2 बी एक्स प्लस ये आपके पास बन जाएगा जो सी, और ये डी कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। इसके बाद इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, विच इज इक्वल, उसका डेरिवेटिव बनेगा जी 6 ए एक्स प्लस ये बन जाएगा 2 बी, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। इसका एक और डेरिवेटिव लेते हैं जी एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी आपके पास 6 ए प्लस ये आपके पास ऑलरेडी जो है ना वो कॉन्स्टेंट है तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, तो ये सिर्फ आपके पास 6 से आ जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली जो है एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, ये बेसिकली क्या है आपके पास एक कॉन्स्टेंट आ गया। इससे हम ये बात साबित हुई कि जब भी हम जो है ना वो क्यूबिक पॉलीनोमियल का ये हम 3 डेरिवेटिव लिए इसके, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है। अब यहां पर देखें, जब हम बात करते हैं कि शो दैट अ क्यूबिक पॉलीनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 रियल जीरोस, कहता हमने साबित करना है। हम इसको जो है ना कैसे साबित करेंगे, इसको कंट्राडिक्शन के जरिए साबित करेंगे। हम जो है ना वो फर्ज करते हैं, लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास जो क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसके जो है ना वो उसके पास जो है ना वो 4 या 4 से ज्यादा जीरोस हैं। हम जो है ना वो अपनी तरफ से जो है ना यहाँ पे एक कंट्राडिक्ट करते हैं। लेट सपोज हम करते हैं कि एफ ऑफ एक्स हैज 4 और मोर जीरोस। हमने फर्ज किया कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है क्यूबिक पॉलीनोमियल है उसके पास है ना 4 या 4 से ज्यादा जीरोस हैं। ठीक है, देखिए ये चीज क्योंकि होने तो कितने चाहिए, 3 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। हम इसको 4 लेके गलत साबित करेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये 4 तो नहीं हो सकते, 3 ही होते हैं। ठीक है, ये चीज बेसिकली हमें यहां पर करनी है। तो अगर जो है ना वो आपके पास है डैश ऑफ एक्स के पास 4 और मोर जीरोस हूं तो फिर इसके डेरिवेटिव कितने होंगे, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे उसके पास होंगे है एस 3 आर मोर जीरोस, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो एक जो है वो टर्म कम हो जाती है, एक जीरो कम हो जाता है। जिस तरह यहां पे हम ये था इसका डेरिवेटिव लिया तो एक टर्म कम हो गई, एक टर्म कम हो गई, फिर एक टर्म कम हो गई, यही काम जहां पे हो रहा है। उसका डेरिवेटिव लिया तो फिर उसके कितने रह गए, 3 आर मोर जीरोस। डबल डेरिवेटिव लिया तो वो कितने रह गए, 2 आर मोर जीरोस, 2 आर मोर जीरोस। उसके बाद ना उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव चेक करते हैं तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव भी आपके पास क्या होगा है एज एट लीस्ट
कम से कम जनाब आपके पास आ रहा है 1 0। देखें जी दोबारा देखें, फर्ज के हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जो है ना वो 4 या 4 से ज्यादा जीरोस हैं, तो उसका डेरिवेटिव लिया तो 3 है, 3 रह गए, अगेन डेरिवेटिव लिया तो 2 रह गए, ट्रिपल डेरिवेटिव लिया तो एटलीस्ट हमारे पास है ना वो 1 0 है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें जब हमने ट्रिपल डेरिवेटिव लिया था तो उसका कोई भी जीरो नहीं बचा था, यहाँ पे कांस्टेंट बचा था। इसका मतलब है कि ट्रिपल डेरिवेटिव पे इस क्यूबिक पॉलीनोमियल का हमारे पास कांस्टेंट आंसर आता है, हमारे पास है ना वो इसका कोई भी जीरो हमें हासिल नहीं होता। इसका मतलब कि ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन हो गई, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे मैंने आपको साबित करके दिखाया है कि जब हम ट्रिपल डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास है ना वो कांस्टेंट आता है, हमारे पास कोई भी जीरो नहीं बचता। लेकिन जब हमने फोर इसको फोर लेके 4 और मोर 0 लेके चेक किया तो ट्रिपल डेरिवेटिव पे वो बता रहा है कि कम से कम 1 0 आएगा, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा है कि कांस्टेंट बचता है, कोई जीरो नहीं बचता। इसका मतलब कि 4 नहीं हो सकते, कितने होंगे, 3 ही होंगे जो हमारे पास स्टेटमेंट है। ये चीज हमने साबित करनी थी क्योंकि ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है, हेंस बस साबित हो गया हमारे पास। या फिर इसी एक जना वो लाइन यहाँ पे और ऐड कर लें, मुझे ये वाली ऐड कर लें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, सिंस या बिकॉज जो भी यहाँ पे लिख लें, क्योंकि अगर हम इसका ट्रिपल डेरिवेटिव लेते हैं वो आता है इज अ कांस्टेंट। अभी हमने यहाँ पे साबित किया होगा कि वो कांस्टेंट के बराबर आता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जी एक ना एक जीरो इसका एग्जिस्ट करता है, वो तो कंट्राडिक्शन हो गई है। तो इसलिए हेंस लिखें जी, पास साबित हुआ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 रियल जीरोस, हेंस क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 रियल जीरोस। यही था जी हमारा सिंपल सा शॉर्ट सा प्रूफ जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलीनोमियल लेके उसके डेरिवेटिव लेके दिखाए हैं। तो यही से हम जो है ये चीज साबित हो चुकी है कि हम जब इसका क्यूबिक पॉलीनोमियल के ट्रिपल डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वो कांस्टेंट आता है, हमारे पास वो कोई भी कोई जीरो या वहां पे नहीं बचता। ठीक है, तो इसलिए ये कंट्राडिक्शन हो गई, और हम जानते हैं कि 3 डेरिवेटिव तो कांस्टेंट के बराबर आता है, तो ये बात 4 वाली बात तो गलत है। अगर ये गलत है तो फिर ये वाली बात ठीक है जो स्टेटमेंट है। और साबित हुआ कि क्यूबिक पॉलीनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 रियल जीरोस। ये शॉर्ट सा और सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के बाद, इसलिए मैंने जो करवाना बेहतर समझा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली से लाजमी शेयर किया करें। अगर आप लोग जो है नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।